दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप गोवा में, अगर अभी आप आ रहे हो गोवा, अगर आपने प्लान किया है गोवा विजिट करने का या जॉब के पर्पज से आप गोवा आ रहे हो, तो अभी किस कंपनीज में वैकेंसीज आई हुई हैं, अगर आप होटल्स की वैकेंसीज सर्च कर रहे हो या आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो किस जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, सर आपका जो रिप्लाई आता है वो काफी लेट आता है। देखिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे सकूं, बट थोड़ी टाइम की वजह से ये डिले हो जाता है। बट कोशिश करूंगा आगे से कि आपका रिप्लाई जो है जल्दी दे पाऊं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो वैकेंसीज आई हुई है वो है साउथ गोवा में, ठीक है, साउथ गोवा में ब्लू क्रॉस लैब्स में वैकेंसीज आई हुई है। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है हाउसकीपिंग में काम करने के लिए, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वैरना में या गोवा के जॉब करने के लिए, वो लोग यहाँ आ सकते हैं और वो लोग एलिजिबल भी हैं। बट उनकी एज जो होनी चाहिए वो है 26 साल, मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 इयर्स। अगर इससे ज़्यादा अभी आप अबव हैं, आपकी एज ज़्यादा है, तो आप इस जॉब वैकेंसीज पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट आने वाली कई सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए 40-45 प्लस भी एज है आपकी, तो भी आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। एज लिमिट है मैक्सिमम 26 इयर्स, ठीक है। सैलरी की बात करें तो डिपेंड करेगा कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों वो है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो जो लोग भी यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब को, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आपके पास होटल की डिग्री है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, बट अभी आप इधर उधर जा रहे हो इंटर्नशिप करने के लिए और आप गोवा के जॉब करना चाहते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ इकोनॉमी जो है यहाँ की वो होटल सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है, यहाँ टूरिस्ट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े रिसॉर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी बिग प्रॉपर्टीज हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, ठीक है, ताज होटल भी यहीं पे है, ग्रैंड हयात भी यहीं पे है, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसीज इंटर्नशिप के लिए आई है वो है ग्रैंड हयात में। इसका भी जो आईडी है, ईमेल आईडी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना सीवी जो है प्रॉपर एक बना ले और अपडेटेड रखें ईमेल आईडी फोन नंबर से, और उसमें आप प्रोफाइल फोटो जो है ना वो जरूर एक चिपकाएं अपने सीवी में, क्योंकि जब होटल सेक्टर में आप किसी जगह अप्लाई करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, तो आप ये फोटो जो है ना अपनी एक जरूर उसमें अटैच करें, ताकि जो आपको रिस्पॉन्स आए वो काफ़ी अच्छा है और जल्दी में आए। इन दोनों वैकेंसीज के लिए जो सैलरी होने वाली है वो आपकी जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस टाइम पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा, और इसमें आपको अकोमोडेशन और फूड दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग आना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, एचआर के इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं या फिर अदर पोस्ट के लिए आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आ सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी वैकेंसीज जो है दोस्तों अभी आ रही है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको शेयर करूंगा कि अगर आप गोवा घूमने आ रहे हैं तो कैसे आप दिन के 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, हल्की सी भी आपके पास नॉलेज है और आप शाई फील नहीं करते हैं, तो कैसे आप यहाँ के दिन के 5 से 6 हजार रुपए इजिली अर्न कर सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में। आपको फुल टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम में ही 4 से 5 हजार से ऊपर भी रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना वीडियोस को अगर आपको पसंद आई वीडियो। और अकोमोडेशन से रिलेटेड जिन लोगों को भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, रूम नहीं मिल रहा है, वो साउथ गोवा में अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं तो साउथ गोवा के लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ गोवा अभी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, क्योंकि टूरिस्ट का सीजन है अभी पूरा, तो ऑन सीजन में जो है काफ़ी सारे रूम जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। बट साउथ गोवा में आपको इजिली अभी भी रूम अवेलेबल हैं। जो लोग भी साउथ गोवा में आना चाहते हैं मड़गांव लोकेशन पे या फिर वैरना के इंडस्ट्रियल आसपास आप जॉब या रूम सर्च कर रहे हैं, वो लोग यहाँ का नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर देना, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि मैं और आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर सकूँ, किस तरह की वीडियोज आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और आप लोग जिस पोजिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नीचे कमेंट के जरूर बताना, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये सारी डिटेल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आपके डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ वहाँ पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।